नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी स्वरूप की आराधना के साथ ही माधोपुर रायसर स्थित लाल दुर्गा और भगत सिंह चौक समीप बंगाली दुर्गा का पट खोल दिया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं के हुजूम के बीच पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की गई। पूजा केंद्रों पर माँ का दिव्य रूप दिख रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं गहमागहमी के बीच पंडाल की रौनक देखने लायक है। ऐसी ही स्थिति शहर के अन्य पूजा केंद्रों पर है। पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बंगाली दुर्गा में सभी पूजा अर्चना बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न की जाती है। इस दरमियान माँ बंगाली दुर्गा व लाल दुर्गा की पूजा अर्चना को देखने दूर दूर से लोगों का आना होता है। वहीं इन प्रतिमाओं की पूजा विधि भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। कोलकाता की दुर्गा का अंश है लाल दुर्गा महारानी। कोलकाता की दुर्गा के अंश स्वरूप से वर्ष 1947 में माधोपुर स्थित रायसर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। वहीं इस लाल दुर्गा की खासियत है कि यहां छठी पूजा को कलश स्थापन की जाती है, वहीं विसर्जन कार्य दसवीं पूजा को संपन्न होना है। पुजारी शुभेंदु घोष ने बताया कि लाल दुर्गा में बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार पूजन अर्चन किया जाता है। पट खुलते ही लाल दुर्गा में महिलाओं के द्वारा ही पूजा अर्चना संपन्न किया जाता है तथा अरोल नगाड़े की थाप पर बंगाली समाज की महिलाएं जमकर माता की उपासना पर थिरकती हैं। वहीं इनकी पूजा अर्चना भी अन्य दुर्गा प्रतिमाओं से काफी भिन्न माना जाता है। वहीं इस दौरान महिलाओं ने बताया कि जिस प्रकार मायके से बेटी की विदाई होती है, वैसे ही माँ दुर्गा की विदाई से पूर्व खोनीचा और मुंह जुठन करवाकर विदा करते हैं। इस दौरान माँ की मांगों में सिंदूर देकर आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पूरे उत्साह के साथ माता की विदाई में शरीक होते हैं। बताते चले कि मुंगेर की लाल दुर्गा पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है और माता का रंग सिंदूर की तरह लाल होती है। वहीं आज रविवार को सप्तमी पूजा के मौके पर शादीपुर स्थित बड़ी दुर्गा महारानी सहित जिले के सभी मंदिरों का पट खोला जाएगा तथा इसको लेकर जिले के सभी मंदिरों को आकर्षक पंडाल और रंगीन रोशनी से साज सज्जा की गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। मुंगेर का लाल दुर्गा से प्रसिद्ध है, प्रचलित है, सब मुंगेर में ये एक ही दुर्गा बनती है, इसको बोलते हैं। ये 1947 से यहाँ बैठती है। बंगाली रीति रिवाज में इस पूजा को मनाते हैं। हम लोग का ये कलश स्थापना 6 पूजा को होता है। अच्छा। ये रायसर लाल दुर्गा स्थान रायसर है। अच्छा। मोहल्ला रायसर 10वीं को ये कलश विसर्जन होगा और प्रतिमा विसर्जन वही दिन उसी दिन होगा, रात 12-1 बजे के सोजी घाट में। ये तो हर एक साल की बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेहनत भी लगता है और खुशी भी होती है। अच्छा। मेरा नाम सुखेंदु घोष है, यही लाल दुर्गा स्थान मेरा घर है सर, मुंगेर। 2 साल से कोरोना के वजह से बहुत हम लोग को रेस्ट्रिक्शन था, तो पूजा सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे। कोविड के वजह से बहुत सारे गाइडलाइंस थे, उन्हें फॉलो करके हम लोग को काम करना पड़ रहा था। इस बार भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उतना भी अभी फैला नहीं है कोरोना, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश हैं जो इस बार बहुत ज़्यादा हम लोग के फैमिली मेंबर्स सब बहुत दूर दूर से आते हैं कलकत्ता से। अच्छा। वो लोग भी इस बार आ पा रहे हैं, कोविड के वजह से वो लोग भी नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। तो इस बार वो लोग भी आ पा रहे हैं तो बहुत खुश है। अभी कलश स्थापना होगी आज, बोधन अभी अधिवास वगैरह आज हो जाएंगी, अभी पूजा ही हो रहा है। सिंदूर खेला होता है, जो भी शादीशुदा महिला लोग हैं वो लोग सिंदूर खेलती हैं और माता को प्रसाद वगैरह चढ़ाती हैं, और आसपास की महिला लोग भी आती हैं यहाँ पे सिंदूर खेलने के लिए हम लोग के साथ, फिर प्रतिमा विसर्जन में हम लोग जाते हैं। मेरा नाम प्रणाली घोष, रायसर।